Adab and welcome to the Shilpa Shetty channel, and this is the art of loving food. So आज ईद स्पेशल है एंड हमने सोचा कि हम कुछ अलग क्यों नहीं करें. वी थॉट वील डू अ चिकन यखनी पुलाव. और कौन बनाना सिखाएंगी? Who else than my bestest friend and an even better cook, the Farah Khan. Yo, assalam alaikum. Waalaikum assalam. हम सब वेट करते हैं जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं कि फारा के घर पे हमें कब वो बुलाएंगी दावत पे, क्योंकि जो डायरेक्शन कम और केटरिंग सब ज्यादा हो गया है. तो इनके घर पे जो यखनी पुलाव बनता है वो एक स्पेशलिटी है एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू ईटिंग इट. तो वी आर वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि आज फारा द शिल्पा शेट्टी चैनल पे आई है एंड शी इज गोइंग टू गिव आउट हर इनर सीक्रेट्स. ये शिल्पा, आई वांट टू टेल यू, ये लगता बहुत मुश्किल है बट है बहुत सिंपल. ये मैं इसको मैं कुकर में बनाती हूँ और फट से बन जाता है आधे घंटे के अंदर. सुपर्ब. और आई रियली बिलीव के अगर कम टाइम में खाना बने तो उस खाने को खाने में और मज़ा आता है, और जो बनाने वाले को जो मज़ा आता है उसमें वो माशाल्लाह. तो एक्चुअली बिरयानी जब हमारे घर में ईद में बनती थी, माय ग्रैंडमदर वुड स्टार्ट रात के 12 बजे पहले. एग्जैक्टली वहां से शुरू होता था मामला और नेक्स्ट डे 3 बजे हमको लंच मिलता था. आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है. यखनी पीपला तो देखिए लेडीज काम पे जाती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. डू इट क्विकली. सो लेट्स स्टार्ट. घी डाल दो इसके अंदर. ठीक है. और फिर इसमें थोड़ा जब गरम हो जाए ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम जीरे का तड़का देंगे करीबन एक और आधा चम्मच. जब तक ये जीरा हो रहा है, I want to tell you, that we need to make fresh गरम मसाले का पेस्ट. क्या बात है. तो चलिए, पैकेट का गरम मसाला आता है लेकिन वो ना बनाया फ्रेश, इसको ग्राइंड करें मोटा मोटा. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये डालो थोड़ा सा इलायची, कार्डमम, और ये करीबन 8 इलायची, अनीस, दो स्टार अनीस, हाँ, लौंजी को डाल दो अंदर, हाँ, और ये करीबन 8 काली मिर्च, 8-10 और डाल सकते हैं. मैं पूरा 8-10 से 15 हो गया है. हाँ जी. और ये, ये और क्या है मेन थिंग मेरा, हाँ, नहीं डालते हैं बड़ी इलायची, पत्ता डाल दो बड़ी इलायची, और जो मेरा अच्छा अखा तेज पत्ता नहीं डलता है इसमें. डालती हूँ, फिर निकालना पड़ता है. नहीं जाता है ये मेरा रेसिपी है क्योंकि हमको थोड़ा तीखा अच्छा लगता है. सूखी कश्मीरी चिली, लाल मिर्ची बहुत सारा डालो. देखो इफ यू लाइक स्पाइसी, वी ऑल ईट स्पाइसी इन माय हाउस. मोटे कांदे तीन, ओके, मोटा बोलना नहीं चाहिए बट मोटा मोटा काट के. हाँ, बस अदरक लहसुन का पेस्ट. अदरक एंड लहसुन इज सो ग्रेट फॉर द सिस्टम. हाँ ठीक है. अब इसमें हम डालते हैं चिकन. चिकन डाल दो. मैं बहुत थोड़ा पानी डालते हैं शिल्पा हम लोग. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अपने ही जूसेस में. सुपर. तो कितना पानी डालेगा? बहुत, जस्ट सो दैट वो चिपके नहीं. अच्छा. मुझे लग रहा है मसाला कम है लेकिन क्या बोल रही हैं आप? थोड़ा और भी डाल सकते हैं. जिनको तीखा लगता है अच्छा स्पाइसी, यू लाइक स्पाइस इन योर लाइफ, पुट इट. हां, फॉर इट, फॉर इट बेबी. हां, ओ हो, काफी है. ओहो, हां हां, माइंड ब्लोइंग हो गई. तो देखो स्मेल आ गई ना ऑलरेडी, खुशबू. हां, तो ये बंद करके इसको सीटी हम देंगे, 3 सीटी. आर यू रेडी फॉर द स्मेल? ओह माय गॉड, ले लो. ओह, मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना खुशबूदार, माइंड ब्लोइंग इट स्मेलिंग यार. ओ वाओ. नाउ जस्ट पुट ऑन द गैस अगेन. आलू डाल दो. हाँ, मिक्स इट बेबी. ठीक है, आलू
इसको मिक्स करके इसमें हम डालेंगे चावल, हाँ अभी इसको मिक्स कर दो, हाँ और सॉल्ट, हाँ सॉल्ट डालेंगे हम, सॉल्ट स्वाद अनुसार, हाँ जैसे हम हर इसमें बोलते हैं मिक्स इट, क्योंकि एक किलो और चिकन डाला है, चिकन और आलू विल हाँ सॉल्ट, आप क्या बात है, ठीक है अब आप लो दही, एक किलो दही डालोगे तो और भी अच्छा बनेगा यखनी, अच्छा अब इसमें पानी नहीं डलता, ये दही में पकेगा, ओ, तो ये जो पूरा जो मसाला है ना इट विल बिकम माइल्ड, तो लेट मी राइट शिल्पा इट बिकम अ ब्लॉग, ठीक है अब इसको लवली मिक्स कर दो, इसको ब्लेंड कर दो पूरा, टू मेनी कुक्स इज व्हाट दिस इज कॉल्ड, वी कैन ईट द मसाला लाइक दैट, यम्मी इट्स लुकिंग, तो ये आप कुकर बंद करके इसको हम देते हैं एटलीस्ट 5 सीटी मीडियम पे, मीडियम पे लवली, चलो एंड आई थिंक अब शिल्पा 5 सीटियां हो गई हैं बंद, किया है इसको हम ऑफ करते हैं और रुको हमेशा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वाज सो एक्साइटेड, यस एंड 1 2 1 अल्लाह मेरी इज्जत रखना एंड 3 Wow, yummy. ये superb, बन superb. चुका है. हाँ. Can't wait. ईद मुबारक. Thank you, Farah. तो ये दीदी से मिली आपको ईदी. Thank you so much. Oh my God, this is yum. I think अभी plating करते हैं. Yeah, let's plate it. Yeah. I was going to say something, but yeah. और ये रहा हमारा ईद वाली यखनी, सुपर्ब, थोड़े से ग्रीन्स डाल देंगे उस पे, हाँ ग्रीन्स आई डोंट प्रिफर बट यू कैन पुट, इफ यू वांट टू फील लिटिल हेल्दी यू कैन पुट ग्रीन्स, करेक्ट, हाँ प्रिटी लगना चाहिए ना, करेक्ट, इतनी मेहनत की है आपने, और थोड़े से फ्राइड ऑनियंस, अगर फ्राइड ऑनियंस डालना है तो डाल सकते हैं, नॉर्मली हम बिरयानी पे डालते हैं, हाँ हाँ, तो ये थोड़ा सा मतलब डाल सकते हैं जिनको बिरयानी वाली फील देनी है, बट आई प्रेफर दिस टू बिरयानी समटाइम्स, मी टू, नो टोटली टोटली कंप्लीट मील है और कम कैलोरीज भी है इसमें और कम टाइम भी, और हाउ ब्यूटीफुल इज दिस हमारा ईद का यखनी, थैंक यू सो मच फारा, ये लजीज डिश को आप अपने घर पे प्रिपेयर करें, इस ईद बनाइए आपका मजेदार यखनी पुलाव, आप सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, और तब तक के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो, तो जब तक ये खा रही है कितना खाती है शिल्पा, यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज, द शिल्पा शेट्टी चैनल, ओह माय गॉड, कितना खाएगी कुछ तो छोड़ दो।